1971 की शाम मेजर पूरी सतर्कता से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी कैंप की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनका पैर किसी सख्त चीज़ पर आ जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ज़ोरदार धमाके से सब कुछ सन्न हो जाता है और मेजर की आँख खुलती है तो वो अपने कैंप में होते हैं और उनके साथी गोरखा उन्हें बड़े ही भय और आश्चर्य की नज़र से देख रहे थे। उनकी एक टांग उनके शरीर पर झूल रही थी, बम धमाके ने उसके चिथड़े उड़ा दिए थे। मेजर अच्छे से जानते थे कि उनके कैंप में ना तो कोई डॉक्टर उपलब्ध है, ना कोई मॉर्फिन या पेन किलर। मेजर अपनी खुकरी निकालते हैं और पास खड़े गोरखा को उनकी टांग काटने का आदेश देते हैं, लेकिन शायद ही किसी गोरखा में इतनी हिम्मत थी कि उनके इस आदेश का पालन कर सके। इससे पहले कि कोई समझ पाता, मेजर एक ही झटके में अपनी टांग अपने शरीर से अलग कर देते हैं और पास खड़े गोरखा को उसे ले जाकर ज़मीन में दफनाने का आदेश देते हैं। दोस्तों, हम किसी फिल्मी या काल्पनिक घटना की बात नहीं कर रहे हैं, ये 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध में घटी एक सच्ची घटना है। हम बात कर रहे हैं भारतीय गोरखा राइफल्स के एआन कार्डोज की। हेलो दोस्तों, इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में मैं आपका साथी, आपका गाइड सैम, अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरीज़ में फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय गोरखा राइफ़ल्स के मेजर एआन कार्डोज की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तज़ा है कि जिन्होंने अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी एआन कार्डोज की। एआन कार्डोजो का जन्म 1937 में मुंबई के एक साधारण परिवार में हुआ था। एआन को बचपन से ही सेना में जाने का एक जुनून सवार था और वो जानते थे कि सिर्फ सेना के जरिए ही वो अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने शुरुआती दिनों से ही खुद को सेना के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। एआन ने नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। वो एनडीए के पहले ऐसे कैडेट थे जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल एक साथ हासिल किए थे। इससे पहले ये कारनामा किसी भी कैडेट के लिए संभव नहीं हुआ था। साल 1971, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चरम पर था। जंग के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। मेजर एआन की 5th गोरखा राइफल इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। मेजर एआन को अपने एक साथी अफसर के शहीद होने पर उनकी जगह लेने के लिए अकस्मात बुलाया गया। उस समय वे एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रोग्राम में व्यस्त थे। एआन सब छोड़कर जंग में कूद गए और भारतीय सेना द्वारा किए गए पहले एयरबोर्न ऑपरेशन का हिस्सा बने। उनकी टुकड़ी को हेलीकॉप्टर से युद्ध के बीचों बीच उतार दिया गया। विपरीत परिस्थितियों और भयानक गोलाबारी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। हर गुजरते दिन के साथ जंग और भी गंभीर होती जा रही थी। सभी टुकड़ियों को सेना की तरफ से मदद आने का इंतज़ार था। इसी बीच मेजर एआन की टुकड़ी को पास में ही फंसे कुछ बांग्लादेशी कैदियों को रिहा करवाने का काम मिला। बीएसएफ की टुकड़ी की मदद से उन्होंने इस मिशन को अंजाम देना था। भीषण संघर्ष के चलते एआन और उनकी पलटन ने पाकिस्तानी सेना को पीछे ढकेलते हुए कैदियों को छुड़ा लिया। हालांकि एआन नहीं जानते थे कि वो एक बड़े जाल में फंसने वाले हैं। पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटते समय पूरे इलाके में लैंडमाइन का जाल बिछा दिया था। एआन जैसे ही आगे बढ़े, उनका पैर एक माइन पर पड़ गया। एक ज़ोरदार धमाके के साथ एआन बहुत दूर जाकर गिरे। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एआन को तुरंत भारतीय सेना के कैंप में पहुंचाया गया,
लेकिन वहाँ उनका उपचार करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और भारतीय सेना की तरफ से मदद की तुरंत कोई उम्मीद भी नहीं थी। एयान को होश तो आ चुका था मगर उनकी हालत अभी भी गंभीर थी। पैर के चिथड़े हो चुके थे और दर्द शरीर को निचोड़े दे रहा था। उन्होंने पास खड़े सैनिकों से मॉर्फिन मांगी मगर वो भी उपलब्ध नहीं थी। जंग के दौरान उनकी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। उनकी टांग को तुरंत सर्जरी की ज़रूरत थी जिससे लगातार खून बह रहा था। मेजर कार्डोजो के सामने मौत खड़ी थी जो कभी भी उन्हें अपना शिकार बना सकती थी। स्थिति को भांपते हुए कार्डोजो ने अपने पास खड़े अपने साथी गोरखा से उनका पैर काटने को कहा। वो यह सुनकर ही दहल गया और आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर कार्डोजो ने स्वयं अपनी खुकरी से पलक झपकते ही एक ही वार में अपना पैर शरीर से अलग कर दिया और साथी गोरखा को उसे ज़मीन में गाड़ने के लिए दे दिया। किसी को भी ये देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। मेजर कार्डोजो के पैर को आराम और सर्जरी दोनों की सख्त ज़रूरत थी पर मेजर कहीं जाने को तैयार नहीं थे। तभी गोरखा रेजिमेंट को जानकारी मिली कि उनके द्वारा बनाए गए युद्ध बंदियों में से एक पाकिस्तानी सर्जन मोहम्मद बशीर है जो मेजर का ऑपरेशन कर सकता है जिससे कि खून निकलने की रफ्तार को रोका जा सके। पर मेजर कार्डोजो ज़िद पर अड़े थे कि वो जान दे देंगे पर किसी भी पाकिस्तानी से इलाज नहीं करवाएंगे। बहुत समझाने पर वो इस शर्त पर तैयार हुए कि ऑपरेशन के दौरान उनको किसी भी पाकिस्तानी का खून किसी भी कीमत पर ना चढ़ाया जाए। डॉक्टर बशीर ने भी देशों की शत्रुता से ऊपर उठकर अपने पेशे को तरजीह दी और मेजर का सफल ऑपरेशन किया। इतने सब के बावजूद मेजर कार्डोजो युद्धभूमि में अपने साथियों के साथ डटे रहे और जब भारतीय सेना की मदद उनके साथियों तक पहुंच गई तभी वे वहां से हटने को तैयार हुए। जब मेजर कार्डोजो वापस लौटे तो उनके साथ उनकी कहानी भी भारतीय सेना में फैलती चली गई और सभी ने उनके धैर्य और वीरता का लोहा मान लिया। मेजर कार्डोजो की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, अभी तो उन्होंने सेना में एक नया इतिहास रचना था। वापस आकर मेजर एयान को लकड़ी की टांग लगाई गई। उस समय तक सेना में अंग भंग हुए सैनिकों के पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि अब मेजर एयान का सेना में आगे बढ़ने का मार्ग रुक चुका था। पर एयान कार्डोजो इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका साहस, उनकी इच्छा शक्ति उन्हें ऐसा स्वीकार नहीं करने दे रही थी। एयान ने निश्चय किया कि वो इस स्थिति से पराजित नहीं होंगे और भारतीय सेना में एक नया इतिहास लिखेंगे। उन्होंने अब अपनी नकली टांग के साथ ही अपने शरीर को इतना अभ्यस्त कर लिया कि देखने वालों को यह विश्वास ही नहीं होता था कि उनका एक पैर असली नहीं है। कार्डोजो ने सेना के हर फिजिकल फिटनेस टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लिया। अपने साथी अफसरों के साथ हुई दौड़ में अव्वल आकर उन्होंने सबको स्तब्ध कर दिया। इसके बाद कार्डोजो ने खुद सेना प्रमुख को अपनी पदोन्नति के लिए संपर्क किया। तत्कालीन सेना प्रमुख टीएन रैना खुद उनकी इस वीरता और इच्छा शक्ति पर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इसको खुद प्रत्यक्ष देखने के लिए कार्डोजो को अपने साथ लद्दाख चलने का आमंत्रण दिया। लद्दाख की बर्फ़ से ढकी दुर्गम पहाड़ियों पर भी कार्डोजो ने सेना प्रमुख को स्तब्ध कर दिया। वे जिस फुर्ती और सहजता से चोटियों पर चढ़ गए वो शायद किसी प्रशिक्षित पर्वतारोही के लिए भी आसान नहीं होता। सेना अध्यक्ष ने लद्दाख से लौटते ही एयान कार्डोजो का भारतीय सेना की बटालियन को लीड करने का आदेश दिया। उनके अदम्य साहस और अतुलनीय वीरता के लिए भारतीय सेना ने उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना पदक से नवाजा। भारतीय सैन्य इतिहास में वो पहले ऐसे विकलांग व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जज्बे और जनूनियत से मेजर जनरल के पद को हासिल किया था। उनकी गोरखा रेजिमेंट में उनके साथी गोरखा उन्हें मेजर कारतूस के नाम से भी बुलाते थे क्योंकि शायद उनके जीवन के संघर्ष की तरह उनका नाम भी लोगों के लिए आसान नहीं था। मेजर एयान कार्डोज का जीवन हमें एक चीज़ सोचने के लिए अवश्य मजबूर करता है कि मनुष्य का साहस और उसकी इच्छा शक्ति मनुष्य के सामने आने वाले किसी भी संकट और समस्या से बड़े हैं और मनुष्य चाहे
तो किसी भी आपदा को अवसर में परिवर्तित कर सकता है। सुपर सैम स्टोरी एयान कार्डोज के इसी जज्बे और जनूनियत को सलाम करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक रोमांचक और आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। गुड डे, शब्बा खैर।